नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं छिपा बड़ोद में, छिपा बड़ोद, और यहां पर भाई साहब हैं जी रवि मालपानी भाई साहब जी, इनके ऑफिस में आए और साथ में जो है हमारे साथ ये काफी किसान हैं। अभी हम मंडी में हैं, किसान भी हैं, व्यापारी भी हैं, और अभी मैं आपको एक मंडी का नज़ारा दिखा दूं क्योंकि अभी समय काफ़ी हो चुका है। अभी हम बारह से आए और यहाँ पर काफ़ी किसान जो वेट करके अभी माल बेच के चले गए थे। पहले मैं आपको एक दृश्य दिखा दूँ मंडी का। ये भी जो है बहुत बड़ी मंडी है और यहाँ पर जो लेने वाले हैं वो ज़्यादातर बाहर के बड़े व्यापारी आते हैं। बहुत दूर दूर से लोडिंग होती है यहाँ पर भी। जो यहाँ से बाहर के जो ट्रक आते हैं इसमें, ये तीन चार साइडों में मंडी है। जैसे बाहर के साउथ की लोडिंग हो रही है बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ये सारा जो है छिपा बड़ोद की मंडी है। चले जान लेंगे आज का यहाँ कितने माल आते हैं, क्या रेट में चला भाई साहब से। और ये सभी अपने किसान भाई साहब हैं, व्यापारी भाई साहब हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ जी नमस्कार जी, पहले तो अपना परिचय, अपनी दुकान का परिचय दो जी। रवि मालपानी छिपोड़ो, श्री मैसूरी ट्रेडर्स। तो आपके यहाँ पर कितना माल आता है जी आजकल, कितना माल आ रहा है? लगभग ऊटी का माल आ रहा है हमारे यहाँ। हाँ, 10 से 15 हजार कट्टा डेली आ रहा है। 10 से 15 हजार ऊटी जी। और देसी में कितना आता है? देसी अभी कम आ रहा है। अच्छा, तो मेन ऊटी की मंडी है जी यहाँ पर? ये नहीं, ये एक्चुअली देसी की भी है, पर मार्च, फरवरी मार्च अप्रैल ये ऊटी चलता है इसमें। अच्छा, फरवरी मार्च मई से फिर देसी चालू हो जाता है हमारे यहाँ। तो वो स्टॉक वाला आएगा कि नया आएगा? वो नहीं, नया माल आएगा, स्टॉक। अच्छा, वाला कोई माल नहीं रहता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज के क्या क्या रेट चले यहाँ पर आपकी जो मार्केट है, क्या कैसे? आज ऊटी में नीचे में 7 हजार रुपये की पोजीशन रही है, ऊपर में 18 हजार तक बिका है। अच्छा, और देसी बिका है 7 हजार। एक मिनट एक मिनट, ऊटी में कहाँ से नीचे में 7 हजार, 70 रुपये किलो से लेकर 18 हजार तक बिका है, 180 रुपये किलो तक ऊटी में। आपके पांव पड़ गए धरती पर राजस्थान में तुरंत ही सब खबर। खुराना जी के पांव पड़े और हो गया काम। हाँ जी हाँ जी, तो और देसी में क्या सर? हाँ जी, देसी में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली है। हाँ जी, नीचे में 60 रुपये बिका, ऊपर में 130 रुपये तक बिका है। ऊपर में 130 रुपये तक, ठीक है जी। अभी 10-15 रुपये तेजी थी आज। हाँ जी जी, वहाँ पर भी अभी कहाँ चाहे हम, ये बारन मंडी वहाँ 135-140 रुपये तक बिका जी। वहाँ पर आओके ज्यादा है, माल भी अभी सूखा आने लगा है, यहाँ थोड़ा गीला माल आ रहा है। अच्छा, मंडी तो आपकी बहुत बड़ी है जी यहाँ पर। हाँ, मंडी तो बड़ी है, सबसे पुरानी मंडी यही है, राजस्थान की विशिष्ट मंडी भी छिपड़ोदी है हमारी। अच्छा जी, अच्छा, ये स्पेशल बनी हुई है मंडी यहाँ की। अच्छा जी, लो जी बाबू जी, कोई सवाल जवाब पूछना हो जी, मैं तो साइड में बैठ गया और अब आप पूछते रहो जी। ठीक है, और क्या हो गया? क्वेश्चन हो जी, एक पूछ सकते हैं, पुराना जी यहाँ पर है, किसी भाई को कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, पूछ सकते हैं जी कोई भी। देखिए जी, अभी क्या हो रहा, अभी आपने अभी चालू किया, अभी बात हो रही थी कि ना, ये सब बातें तो चलती रहेंगी, भाव क्या है, आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। अभी हम बैठे हैं सेठों के पास। अरे आपके छोटे भाई हम लोग, ये छिपा बड़ोद मंडी सेठ होगी, सावरा सेठ है हमारे, वो तो है ही है, वो तो है ही है जी। तो ये अभी जो बैठे ना, ये सब हाथी लोग हैं। तो अभी बात हो रही थी कि लहसुन, हाँ पूरा घुमाइए सब लोगों को दिखाइए, इधर ये लोग हैं, ये बाबूजी बैठे हैं। तो बात हो रही थी जी कि लहसुन का भाव वाव तो सब पता चलता रहेगा, सबका अपना अपना नॉलेज है, सबके सटीक अंदाजे हैं, क्योंकि सब व्यापार करते हैं पुराने। ये तो बिना बात का नाम आ जाता है हमारा आगे की जी, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सब बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं। बात हो रही थी कि आज हम किस स्टेज पे खड़े हैं, और आज हम जिस वजह से जिस स्टेज पे खड़े हैं उसका ऋण उतारने का टाइम आया हुआ। ठीक है, लहसुन की वजह से आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, या आज हमारे को कोई नाम है, या हमने अपने बच्चे पढ़ाए, या कुछ भी, आज इतने बड़े अच्छे ऑफिस में बैठे हैं, तो मेन लहसुन की वजह से जी। रवि भाई साहब गलत तो नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल सही, लहसुन की वजह से बैठा है। आज जहाँ कंफ्यूजन का माहौल आ गया, अच्छा ये लहसुन लेके कौन आ रहा है? किसान लोग, किसान लोग लग जा रहे हैं। आज अगर वो मरते हैं तो हमारे जितने भी ये नजारे हैं ये सब फीके पड़ने चालू हो जाएंगे। बिल्कुल है ना, आज आ गया वो, आज उस दौर में हम खड़े हैं जहाँ किसान बहुत बड़ी दुविधा में पड़ जाता है कई बार कि क्या करें अब, क्योंकि बड़े बड़े हाथी जो पहले खुले नहीं हुए थे, जो पहले बड़े गेम खेलते थे लेकिन ओपन नहीं हो पाते थे,
क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं था। तो जब से ये सोशल मीडिया की एंट्री हुई 2-3 साल से मार्केट्स में, तो अब हर चीज़ ओपन हो गई है, किसान भी जागरूक हो गया। पहले क्या होता था कि लहसुन आया, फसल निकली, जो भी उस टाइम का भाव होता था बेच के फ्री हो जाता था 1 महीने 2 महीने 3 महीने में। वही किसान परेशान होकर सर पे आदक के देखता था, जैसे अंदाजा ले लें कि जी 30 रुपये का बिक गया और सिर्फ 3 महीने बाद वही चीज़ 150 की होती या 100 की होती या डबल हो गई, 60 की हो गई, चलो 30 वाली, तो हैरान होता था यार बताओ कि मेहनत मैंने की और आज गेम ये हो गया और पता भी नहीं चला। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर 60 हो गया या 100 हो गया तो उनका कमाने का हक नहीं जो पैसा लगा दें, बात वो नहीं होती। बात ये हो रही है कि जब किसान की तरफ हम लोग नहीं देख पाएंगे, हमारी तरफ ऊपर वाला नहीं देख पाएगा, 5 मिनट रुक जाना यार, हमारी तरफ ऊपर वाला नहीं देख पाएगा। आज जब सोशल मीडिया मैदान में है तो हम लोगों का वक्त आ गया कि जब हम वो ऋण उतारें जिसकी वजह से आज हम लोगों को अच्छे ऑफिसेस, अच्छा मान सम्मान मिला हुआ है, आज हम किस हिसाब से किसान का भला कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना घर लुटा के किसी का घर पूरा करें, बिल्कुल, लेकिन मौके पे उनको कब सलाह दे रहे हैं, कैसे सलाह दें। जैसे एक मैंने मुहिम पकड़ी हुई है पिछले 1 साल से, गौमूत्र और गोबर का मिश्रण करके खेतों में डालिए। अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई जो भाई साहब अभी बता दें, 100 बीघा जमीन है भाई साहब के पास, आपने यही बोला जी खेती कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें कह रहे हैं कि केमिकल बहुत डाला, इतना केमिकल डाला कि पूछे नहीं, और उस केमिकल की वजह से लहसुन के पैदे उड़ गए और लहसुन जो गर्मी पड़ेगी उससे डैमेज बहुत होगा, बहुत डैमेज होगा, सही है जी, बिल्कुल। अभी तो गर्मी इतनी पड़ी नहीं लेकिन जो आगे माहौल बन रहा है उस डैमेज होने में आप सोचें कि कितना बड़ा नुकसान है। सिर्फ इस चीज का नुकसान नहीं है कि पैसे का नुकसान है, किसान को पैसा नहीं मिल रहा, ये केमिकल डालने से क्वालिटी का नुकसान है, व्यापार हमारे गड़बड़ाएंगे, बिल्कुल गड़बड़ाएंगे। और जो कंज्यूमर लहसुन खा रहा है, आम आदमी जिसको पता ही नहीं पैदा कैसे होता है, जैसे हम शहरी आदमी है, हमारे पास कोई जमीन नहीं है, खेती नहीं है, हमारे को घर बैठे लहसुन मिल जाता है या कोई भी फल सब्जी मिल जाती है और पैसा, हाँ कि किसी ने कहा इतने का ले लो भाई और थोड़ा बहुत रोना धो देते, तेजी हो गई या मंदी हो गई, उस आदमी का भी कितना बड़ा लॉस है कि जब हम केमिकल युक्त भोजन करते हैं तो उसमें सब मर रहे हैं। तो उस मुहिम को हमने उठाया हुआ है जिसके लिए मेरे को बहुत जगह से बधाई के संदेश आ रहे हैं, बिल्कुल नाम नहीं खोल पाऊंगा, बड़े बड़े लेवल के लोगों का संदेश है कि भाई साहब आज उस पर लगे दो, कहीं दिक्कत आती है जो मैकेनिज्म है पूरा हिंदुस्तान को चलाने वाला, वो कह रहे हैं कहीं दिक्कत आती है तो वहाँ तक हम बैठते हैं, आप जब बोलेंगे हम वहाँ तक आपको ले चलेंगे, बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात होती है कि आज हम चले तो इस चीज़ के लिए थे और ऊपर से संदेशे आ गए कि आप लोग आइए, इन्वाइटेड हूँ मैं उस जगह भी। तो अब हम लोगों का जी ऋण उतारने का टाइम है किसानों का, बिल्कुल, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं। आप लोग बिल्कुल जितना उनको समझा सकते हैं कि केमिकल, अब जैसे हम केमिकल के खिलाफ हो गए तो जितने भी ये केमिकल वाले हैं वो भी दुश्मन बन जाएंगे, बिल्कुल, कि जी हमारी दाल रोटी पे पाँव मार रहा है। लेकिन साहब ये सिर्फ आपकी दाल रोटी नहीं, कई लोगों की जिंदगियों बच जाएंगी इससे, क्योंकि किसान अपनी फसल के लिए मरता है, उसकी फसल कैसे भी बच जाए, बिल्कुल उसके दिमाग में ये सोच होती है। अब दो तरीके हैं फसल बचाने के, या तो हम सिंपल सा वो है कि केमिकल उठाएं और डालें अपनी फसल को बचाएं, दूसरा तरीका है जो उनको गाइड करने का कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है और आप करो। तो वो आज यहाँ आने का मकसद ही मेरा ये था कि मेरे को पता था हम लेट हो जाएंगे कि किसान तो मिलेंगे नहीं, लेकिन जो हमारे व्यापारी भाई हैं और अच्छे लेवल का काम करने वाले तो वो मिल जाएंगे, चलो उनसे ही गुफ्तगू हो जाएगी। तो साहब अब हमारा ना टाइम आ गया अपना अपना ऋण उतारने का, वो ऋण पैसे से नहीं उतरेगा,
वो उतरेगा ज्ञान से, ज्ञान से उतरेगा, समझाने से उतरेगा। कैसे कैसे हम अपने ही तरफ से किसानों को हम समझाएं कि कैसे आप ऐसे नहीं ऐसे करो, जिससे कि फसलें भी बचे और बीमारियां भी कम लगे फसलों में। टोटली लसन लगा रहे ना किसान सभी। किसान जो है जैसे किसी के पास 10 बीघा खेती है वो टोटली मतलब किसान निरा व्यापारी बन गया हो। आप पूरी मेन पूरी लसन लगा रहे, मतलब न तो गेहूँ लगा रहे न कुछ सरकार लगा रहे, एक लिमिट में लिमिट है ना, दो हजार उन्नीस में उसमें उसका वो गोबर बाढ़ में वो जो गोबर और गोमूत्र है ना, मतलब कि उसमें हम भैंस का भी डाल सकते हैं, गाय का और भैंस का एक ही बात होगी, लेकिन उसको ढक्कन लगा के रखना है हमने। मैं जो दाना जी बोलता हूँ ना, अकेला ये इंसान था या कुछ मेरे और मित्र थे जिन्होंने कहा था हिम्मत नहीं आ रही, ठीक है, और इन्होंने एक ही बात कही क्या है, मीडिया की ताकत जो आप में ज्ञान है आप बोलना चालू करो आप देखो क्या होता है। मैं ठीक है, अब जेब में तो कुछ रहा नहीं तो चलो भाई साहब, पता ही नहीं चला वो झटका कवर कैसे हुआ ना, तो मैं अमाउंट बता रहा हूँ, लेकिन अगर बड़ा झटका तो बड़ा झटका बिल्कुल, तो वो कवर कैसे हुआ समझ ही नहीं आई। तो जब ये चीज खुद देखने को मिल रही है ना, मैं आज तक नहीं आया साहब, मैं राजस्थान आया ही नहीं, फर्स्ट टाइम है। किस लिए आया हूँ कि नहीं कुछ नॉलेज मिल गया तो बांटो, तो ज्ञान तो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, बढ़ेगा तो छोड़ दो अपना भला होगा, अपना भी भला होगा। आज तक कभी किसी टीचर को भूखे मरते हुए देखा आपने? आपके भी मास्टर जी रहे होंगे, आपके भी होंगे, आप भी होंगे, आप खुद मास्टर हैं। अच्छा, कभी किसी टीचर को भूखे मरते हुए देखा? अगर उसका स्टूडेंट आईपीएस भी बन जाए ना, जज भी बन जाए, तो आगे पाँव छूता है, पाँव छूता है बिल्कुल। जिस आईपीएस जज के लोग पाँव छू रहे होते हैं वो आता है पाँव छूने कि नहीं आप गुरु हैं मेरे। तो सर जब भावना ये आ जाएगी ना कि हमने अपनी नॉलेज बांटनी है, तो उसमें अपने आप ही ऊपर वाला हमारे को सपोर्ट करना चालू करेगा बिल्कुल। तो सर हम लोग जितना सोचेंगे ना कि ये किसान है, अगर गलत कर दिया बोल दो, माने ना माने वो उसका नसीब है। ये बताओ जैसे राजस्थान में प्यार मिला, वो प्यार की ज्यादा वैल्यू है या पैसे की ज्यादा वैल्यू है? सर पैसा कहीं टिकता ही नहीं पैसा कहीं टिकता ही नहीं इसकी चीज के आगे। आप ये बताओ, लोग करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्चते हैं टिकट मिलने के बाद कि जी मैं जाऊंगा तो कुछ लोग 20-25-50 लोग आएंगे माला डाल ले, या तो मैं खुद सर पकड़ के बैठ गया कि इतना प्यार मैं उम्मीद ही नहीं थी। अब ये प्यार भाई साहब ना तो ना तो कोई मेरे को जानता है, ना मेरा किसी से कोई व्यापार है। आज इतने सारे आप देखिए, आप सब बैठे हैं इस टाइम तक 6:30 बजे, जबकि सब लगभग आप लोग घरों में चले जाते हैं, सही बात है ना, तो किस लिए बैठे हो? प्यार है कि यार चलो ये बंदा इन्होंने बोला था कि भाई साहब आना तो संभल गया ना। इनसे तो बात हुआ था मेरा, आपके यहाँ थे ना अभी 2-3 दिन। नमस्ते सर, आओ आइए आइए। तो सर बाकी तो सब चीजें चलती रहेंगी, लहसुन ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा सब कुछ होगा, लेकिन ये तो मतलब चेंज होगा जरूरी है।